हे गाइस, स्वागत है दोस्तों। ये मेरे हाथ में असाइनमेंट एब्रॉड पेपर है, राइट। बट इस पेपर को सही से आइडेंटिफाई करना, इस पेपर के अंदर में कौन सी ऑफिस जेन्युइन है, उसका लाइसेंस नंबर कैसे चेक करते हैं, इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस पेपर को ख़रीद लेना या कहीं से फाइंड आउट कर लेना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। सॉल्व तब करता है जब आप एक जेन्युइन ऑफिस को, एक सही जॉब कंसल्टेंसीज को आप फाइंड आउट कर सकें। आपको लाइसेंस नंबर चेक करने आना चाहिए, सही तरीके से पहचानना चाहिए कि सही ऑफिस क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी ऑफिसेज हैं जो सभी जेन्युइन नहीं हैं। क्लियर बात? तो चलो जल्दी से शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑफिस को लेता हूँ जो जेन्युइन ऑफिस है, जो जैसे ट्रेड्समैन है। ओके, ट्रेड्समैन है। अब इसको हम ऐसे देख करके पता नहीं चलेगा, मुझे मालूम है जो इस फील्ड में बहुत पुराना है उसे पता है, ऑफिस देख कर ही समझ जाता है कि ये ऑफिस कैसी है। लेकिन जो नए लोग आते हैं, जो यूथ हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। तो देखो, लाइसेंस नंबर इस पेपर के अंदर में सबसे नीचे में जो लिखा हुआ है लाइसेंस, और उसके बाद B0165, ओके, फिर उसके बाद से ऑब्लिक MUMPER 1000 प्लस ऑब्लिक 5876302011। अब ये क्या है, इसके अंदर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत ही अंदर की बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मैं यहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शेक हो रही है वीडियो, प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा दोस्तों। ओके, आपको काम होने से मतलब है, कोई ये रील्स नहीं मैं बना रहा हूँ कि इसमें कुछ हो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशन वीडियो है। देखो, 1000 प्लस ऑब्लिक 5 ये होना चाहिए, इसी को 1000 प्लस 5 या 1000 प्लस 3 बोला जाता है। 1000 है, ऑब्लिक है 5 है, यहाँ 5 की जगह 3 भी हो सकता है, लेकिन 5 और 3 के अलावा कोई दूसरा डिजिट है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीछे का जो भी नंबर है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। जहाँ भी लिखा हुआ है इसके अंदर में 1000 प्लस ऑब्लिक 5, यानी इसी को 1000 प्लस 5 कहा जाता है, ये रजिस्टर्ड है और ये एक जेन्युइन ऑफिस है। ओके, अब इस कितनी पुरानी ये ऑफिस है, ये ऑफिस कितनी पुरानी है, कब से मार्केट में ओपन हुई है, तो लास्ट में आप देखेंगे ईयर्स लिखा हुआ है 2011। इट मीन्स कि 2011 से ये ऑफिस मार्केट में चल रही है और 2023 चल रहा है। आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी पुरानी ये ऑफिस है। तो इस तरीके से आप अपना एक सही जेन्युइन ऑफिस आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से जितने भी ऑफिसेज हैं उसके नीचे में ये नंबर मिल जाएगा, और आगे में 1000 प्लस ऑब्लिक 5 या 3 होना चाहिए, कंपलसरी है। मैंने सभी वीडियो में, पता नहीं कितने अनलिमिटेड वीडियो मैंने बनाया है, सब वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन होता क्या है कि जो नए लोग आते हैं, जो नए ऑडियंस हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो फिर उस पुराने वीडियो को नहीं देखते हैं, तो बीच बीच में मैं रिपीटेड चीज़ में आपको रिफ्रेश करता हूँ, अपडेट करता हूँ दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कभी भी जो जीमेल जो मेल होता है, ईमेल होता है, वो gmail.com नहीं होगा, कभी भी उसकी अपनी वेबसाइट से होगी, जैसे कि recrec2@tradesman.in, उसकी अपनी वेबसाइट है, ऑथेंटिक ऑफिस है, 1000 प्लस 5 है, 2011 से है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑफिस जेन्युइन है। इसी तरीके से कोई भी ऑफिस की वैकेंसीज व्हाट्सएप पे कहीं पर भी अगर आ रही है आपको, तो आप उसको पहले लाइसेंस नंबर चेक कीजिए। कोई भाई ने कमेंट भी किया था तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ, जो जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं, जो वाकई जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं, मैं उसको पिक कर लेता हूं और उस पर एक वीडियो मैं बनाकर आपको अपडेट करता हूं। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑफिस फेक है या जेन्युइन है। मेरे टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे वैकेंसीज़ मैं हमेशा डालता हूँ और फ़िल्टर करके डालता हूँ कि उसमें कोई भी फेक ऐसी वैकेंसीज़ ना चली जाए, तो आपको नुकसान हो जाए, आपको लॉस हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन ही वैकेंसीज़ उसमें डालूं और बिल्कुल सही तरीके से फ़िल्टर करके डालता हूं। टेलीग्राम की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस पेपर की वैकेंसीज़ और डेली बेसिस पे जो भी वैकेंसीज आती है, सही जेन्युइन मैं डालने की कोशिश करता हूँ, डालता ही हूँ, और बहुत सारे लोग वहीं से फॉलो करते करते गल्फ में, अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं आज। ओके दोस्तों, सो ये चीज़ मुझे बताना था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ज़िंदगी के हर मोड़ पे, करियर के हर मोड़ पे ये चैनल काम आती है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जेन्युइन ये चैनल है। दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।